तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपको फैसल मोस्क्यू की किस हिडन प्लेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी वो जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो गाइस, सुबह के 10 बज चुके हैं और आपका भाई उठ गया। उठने का दिल तो नहीं कर रहा था, पर मैंने कहा अहमद भाई उठ जा वरना इन्होंने खुद ही निकाल देना रूम से बाहर। तो मैंने कहा ठहरो, आपको थोड़ा रूम दिखा दिया जाए और ये एक नज़र अंकल को भी देख लीजिए। गाइस, अचानक ही मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगने लगी और हम फटाफट अपने होटल से बाहर निकले और सीधा पहुँचे रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने पेट भर के नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता इनका बिल्कुल परफेक्ट था। और नाश्ता वगैरह करके हम फैसल मोस्क्यू की तरफ रवाना हो गए। और यार, आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इनके रोड कितने क्लीन है यार। अगर हमारे यहाँ होना तो भाई गुजरा वाला तो चलें खैर। और जिस चीज़ का हमें वेट था वो आई गई। माशाल्लाह यार, क्या व्यू है यार, माशाल्लाह। पहाड़ों के अंदर गिरी हुई यार। और एक नज़र ज़रा हम पे भी डाल लीजिए। तो खैर गाइस, मैंने सोचा यहाँ पे पहले थोड़ी शौकी मार ली जाए। तो ऐसे ही यार, फिर हम शौकी मारते मारते फैसल मोस्क्यू के अंदर की तरफ रवाना हुए। ओहो, क्या सीन है यार ये, माशाल्लाह। मुझे ये सीन सबसे प्यारा लगा। और एक नज़र ज़रा अपने भाई पे भी डाल ले, कैसा लग रहा हूँ। और गाइस, फाइनली फिर हमने वहाँ पे अपने शूज़ वग़ैरह सेव किए और सेव करके हम निकल पड़े अंदर की तरफ। और गाइस, ज़रा ये देखें व्यू, कैसे पहाड़ों के अंदर मौजूद है यार। इस व्यू के लिए तो मेरे पास वर्ड ही ख़त्म हो गए, लेकिन अगर आपके पास हो तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। और फाइनली गाइस, वो वक्त आ गया जिसमें मैंने आपको वो हिडन प्लेस व्यू करवानी है। तो जी हाँ गाइस, मैं वो इस टोम की बात कर रहा हूँ जो चार मीनारों के अंदर मौजूद है। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं यार, माशाल्लाह, क्या यार, क्या खूबसूरत है यार। यार जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवा कर अपने उन मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे, मेरा ख्याल है यार इनके भी कटवा देने चाहिए थे ताकि वो भी इस तरह की मोस्क्यू दोबारा ना बना सके। बट खैर, अब एक नज़र अंकल पे भी डाल लीजिए, वो भी अंदर आ चुके हैं क्योंकि डोर उन्होंने क्लोज़ कर दिया था तो इसलिए वो बाहर आ गए थे। आई होप कि इन्जॉय कर रहे होंगे वो भी। तो यार, ये थी वो हिडन प्लेस जो ये टोम था, क्योंकि गाइस मे बी के काफ़ी लोगों ने इसको अंदर से विज़िट किया हो, बट ये सिर्फ नमाज के टाइम पे ओपन होता है, अदरवाइज़ इसको लॉक लगा दिया जाता है। तो गाइस खैर, ये थी वो प्लेस। इसके बाद हमने फैसल मोस्क्यू को टाटा बाय बाय बोला। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।